हेलो गाइस, मैं रणवीर सिंह, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि एक पुराने एलईडी बल्ब को मात्र 20 रुपये में कैसे ठीक करें। तो चलो शुरू करते हैं मेरा वीडियो। हाय गाइस, देखते हैं चलो हम इस बल्ब को कैसे ठीक करेंगे। देखो हमारे पास ये खराब बल्ब है। देखिए अब हम इसको देखते हैं कैसे खोलते हैं। ये हमने इसको ऐसे खोला, ये हमने इसको खोल लिया है और अब हम इसको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके अंदर की ये प्लेट निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसके अंदर की प्लेट निकाल ली है। अब आपको ये दिख रहा होगा एक सर्किट है अंदर जिसको हम प्लायर की मदद से खोल लेंगे। तो मैंने आगे से खोल के रखा है। तो ये देखो गाइस, ये देखो इस बल्ब को ठीक करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये है एक डीओवी और ये एक है पेपर कैपेसिटर 1 केवी का। और ये आपको लोकल मार्केट से 10 या 20 रुपए में आराम से मिल जाएगा। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। ये देखो गाइस, ये हमारी ये जो पुराना बल्ब था उसकी ये ख़राब हुई डीओवी है। इसको हमें एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल देना है। ये मैंने आगे से निकाल के रख दी है। ये देखो ये मेरी डीओवी मैंने इसके साथ स्क्रू ड्राइवर की मदद से लगा दी है और ये स्क्रू भी लगाया है। आप इसको किसी भी एजेडिव के साथ लगा सकते हैं। ये देखो मैं इसके अंदर से 2 वायर पास करवा दी हैं। ये स्क्रू लगाया और ये देखो, ये देखिए, ये देखो अब ये जो वायर है इसको एक एल पॉइंट पे लगा देना है, एक एन पॉइंट पे लगा देना है बस। अब ये देखो एक ये भी है पेपर कैपेसिटर, ये जो 1 केवी का मैंने बताया था आपको पहले, एक ये यहाँ लगा देना है, एक ये यहाँ लगा देना है, एंड पॉइंट और एल पॉइंट पे शोल्डर कर देना है आपको मज़े से। और ये करने के बाद आपको ये देखो ये जो मैंने आपको दिखाया था जिसमें से सर्किट हमने निकाल लिया था इसको इसमें से डाल देना है और शोल्डरिंग की मदद से आपको इसके यहाँ से पॉइंट निकाल कर शोल्डर कर देना है। तो गाइज मैंने किसी की बड़े की मदद से यहाँ शोल्डरिंग करवा ली है। और गाइज ये देखो अंदर से, और ये जो हमने स्क्रू की मदद से इसको यहाँ फिक्स किया था ये देखिए। हाँ अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये एक वायर हमने एन पॉइंट पे लगा दी है और एक वायर एल पॉइंट पे लगा दी है। वैसे ही ये जो एक पेपर कैपेसिटर था हमने उसी पॉइंट पे लगा दिया है, इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। और साथ में मैं आपको ये बल्ब होल्डर के साथ चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस एक मिनट, ये गाइस ये मज़े से कीजिए, ये फिक्स कर दिया मैंने। अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ गाइस, ये मैं टेस्ट करने लगा हूँ। तो ये भी काम आप किसी बड़े की मदद से करवाएं। ये देखिए गाइस, ये देखो गाइस मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखो गाइस ये चल पड़ा है। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो गाइस ये रिपेयर किया हुआ बल्ब। अब मैं आपको बंद करके चेक करके दिखाता हूँ। गाइस मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। और देखो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।